पहले स्विच करते हैं फेस वॉश पे। अगर हमें बहुत ज्यादा सीरियर एक्ने होते हैं और हमें पिंपल हो रहे हैं और हम डॉक्टर के पास जाएंगे, तो सबसे पहले डॉक्टर भी हमें रेकमेंड करेंगे अच्छा सा फेस वॉश। तो फेस वॉश जो है वो स्किन केयर रूटीन में बहुत अहम रोल प्ले करता है, पर तब जब वो आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग हो। ये नहीं कि आपकी स्किन टाइप ड्राई है तो आप सेंसिटिव स्किन वाला फेस वॉश यूज करो, नॉर्मल स्किन वाला फेस वॉश यूज करो, या फिर ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन है तो आप ड्राई स्किन वाला फेस वॉश यूज करो। नहीं, अगर आपकी स्किन टाइप ऑयली है, एक्ने प्रोन है, या फिर आपको पिंपल हो रहा है, अगर आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही फेस वॉश यूज करोगे तभी वो वर्क करेगा। जी हाँ दोस्तों, तो आज की वीडियो टाइटल और थंबनेल देख के आप लोग को पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर है। आज हम बात करने वाले हैं फेस वॉश का रिव्यू, और वो फेस वॉश प्लम का ग्रीन टी फेस वॉश। जी हाँ, बहुत ज्यादा चर्चित ये ब्रांड है, आपको पता ही है, और इसके ऑल प्रोडक्ट जो ग्रीन टी की रेंज के हैं वो सभी प्रोडक्ट बहुत अच्छे। बात करने वाले हैं इस फेस वॉश के बारे में, ग्रीन टी फेस वॉश के बारे में। अगर आपके स्किन पर बहुत ज्यादा पिंपल हो रहे हैं, एक्ने हो रहे हैं, तो रियल में आपकी स्किन पर वर्क करता है कि नहीं करता, इसको यूज करने का प्रॉपर वे क्या है, किस तरीके से आपको यूज करना है, और रियल में ये आपकी स्किन के पिंपल्स को ठीक करता है नहीं करता, आपके पोर्स को ठीक करता है नहीं करता, आपके एक्ने को कम करता है नहीं करता, वो सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे कि आपको इस फेस वॉश को परचेज करना है नहीं करना है, या फिर कुछ भी चीजें जो भी आपके डाउट्स हैं वो सब कुछ इस वीडियो में क्लियर होंगे। तो देखो, जब भी मैं वीडियोस बनाती हूँ, जो भी रिव्यूज वीडियोस आप मेरे चैनल पर विजिट करेंगे तो देखेंगे मैं बहुत सारी वीडियोस रिव्यू वीडियोस बनाती हूँ। तो रिव्यू वीडियोस में मैं 100% जनरल रिव्यूज देती हूँ, जो मेरा रिव्यू है वही आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं बताती हूँ जो कि आप लोगों की स्किन के लिए सही नहीं है। बहुत ज्यादा मेरे पास डिमांड आ रही थी इस फेस वॉश के रिव्यू की, तो मैं आप लोगों के लिए आज इस चीज का रिव्यू लेकर आई हूँ, इस फेस वॉश का रिव्यू लेकर आई हूँ कि आप लोग को ये परचेस करना है नहीं करना, किन स्किन टाइप वालों के लिए बेस्ट है, इसके रिजल्ट कैसे, इसके मेन इंग्रेडिएंट क्या है, इसका प्राइस क्या है, इसकी क्वांटिटी क्या है। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले तो जो इसका टेक्सचर है वो बिल्कुल लाइट वेट है, मतलब अगर आपकी जो ऑयली स्किन वाले होते हैं, इनको पिंपल हो रहे हैं, तो उनको ऐसा फेस वॉश यूज करना होता है, थिक क्रीम वाले फेस वॉश वो नहीं यूज कर सकते, तो एकदम लाइट वेट टेक्सचर का फेस वॉश यूज करना चाहिए। तो इसका लाइट वेट टेक्सचर आप देख सकते हैं, बिल्कुल एकदम जेल फॉर्म में है, लाइट वेट सा इसका टेक्सचर है। जस्ट आपने अपने फेस को अच्छी तरीके से, और इसमें छोटे छोटे से पार्टिकल्स भी हैं, बिल्कुल माइल्ड माइल्ड से एकदम पार्टिकल्स हैं, तो ये बिल्कुल ही वॉटरी कंसिस्टेंसी का है। अब देखिए, इस फेस वॉश की अगर हम बात करें प्लम के इस फेस वॉश की, तो ये फेस वॉश वर्क करता है आपके पिंपल्स को रिमूव करने में, ऐसा ये क्लेम करते हैं। तो मेरी स्किन टाइप भी ऑयली एंड एक्ने प्रोन है, और अभी भी आप देखिए मुझे एक दो पिंपल हो रहे हैं। इस फेस वॉश में है ग्रीन टी एंड ग्लाइकोलिक एसिड। तो ग्रीन टी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग एजेंट है, एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि हमारी स्किन से एक्सेसिव ऑयल को रिमूव करता है, हमारी स्किन से पिंपल को रिमूव करता है, हमारी स्किन को एकदम क्लियर आउट करता है। बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट है। आपको पता है ग्रीन टी के शैम्पू आते हैं, ग्रीन टी के सीरम्स आते हैं, ग्रीन टी के फेस वॉशेज आते हैं, ऐसी ग्रीन टी बहुत सारी मात्राओं में यूज करी जाती है, क्योंकि वो रियल में बहुत अच्छा सा वर्क करती है आपकी स्किन के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें है ग्लाइकोलिक एसिड, और ग्लाइकोलिक एसिड आपको पता है आपकी स्किन की डेड लेयर्स को रिमूव करता है। मानिए मेरी स्किन की ये परत है, तो जो मेरे ऊपर की खराब परत है, जैसे मेरी स्किन के पोर्स ब्लॉक हो चुके हैं, बिल्कुल ही खराब हो चुके हैं, उनमें पिंपल्स है, ब्लैक एंड व्हाइट हेड्स है, मोटे मोटे सिस्टिक एक्ने, तो वो क्या करता है ना, डीपेस्ट लेयर तक क्लियर करता रहता है, जो हमारे जैसे हम डेली यूजेज में फेस वॉश करते हैं, तो जितनी भी डेड लेयर्स है वो धीरे 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 हमारी स्किन पे से रिमूव होती रहती है, और पिंपल का बैक्टीरिया भी किल होता रहता है, तो बहुत ही जल्द जो है वो हमारे पिंपल्स ठीक हो जाते हैं, और हमारी स्किन जो है वो क्लियर एंड ब्राइटन अप लगती है। तो ये बेसिकली ये फेस वॉश का काम यही है कि आपकी स्किन को ब्राइटन अप बनाना, एंड जो भी आपका एक्सेसिव ऑयल है उसको रिमूव कर देना। नेचुरल ऑयल को ये रिमूव नहीं करता, सिर्फ एक्सेसिव जो आपका एक्सेसिव ऑयल है उसको ये रिमूव करता है, बाकी जो आपका ऑयल है वो आपकी स्किन पर ही रहता है। और डेड लेयर्स को, जैसे इसमें ग्लाइकोलिक एसिड, आपको पता है ग्लाइकोलिक एसिड जब आपको पिंपल्स होते हैं और आप किसी अच्छे डर्मेट के पास जाएंगे, किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे अपनी स्किन को दिखाने के लिए कि भाई मुझे बहुत ज्यादा एक्ने हो रहे हैं, तो वो आपको या तो सैलिसिलिक एसिड या फिर ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश देंगे। और रिसेंटली मेरे पास इतने सारे ग्लाइकोलिक एसिड फेस वॉश है, क्योंकि मैं दो तरह के ही फेस वॉश यूज करती हूँ, पहला है सैलिसिलिक एसिड बेस्ड और दूसरा है ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड। सैलिसिलिक एसिड क्या करता है ना, हमारे जितनी भी इन्फ्लेमेशन होती है, जितनी भी हमारे एक्ने की बैड बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करता है, हमारे पोर्स को डीपली क्लीन करता है। और ग्लाइकोलिक एसिड क्या करता है ना, हमारी डेड लेयर्स को रिमूव करता है। अगर आपको सैलिसिलिक और ग्लाइकोलिक एसिड एक ही फेस वॉश में चाहिए, तो रेजुग्लो का
जो फेस वॉश का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में आप लोगों को दे दूंगी, तो आप लोग वहां से चेक कर सकते हो या फिर मेरे चैनल पर विजिट करके भी रेजुग्लो फेस वॉश का रिव्यू आप चेक कर सकते हो। वो फेस वॉश पिछले 4 साल से मैं यूज कर रही हूँ, मैं हर समर्स में उस फेस वॉश को यूज करती हूँ और वो फेस वॉश बहुत अच्छा सा वर्क करता है हमारी ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन के ऊपर। जिनकी भी स्किन टाइप है, जिनको भी एक्ने हो रहे हैं, वो उनकी स्किन पर एकदम परफेक्टली वर्क करता है। तो ये फेस वॉश में भी ग्लाइकोलिक एसिड है और ग्लाइकोलिक एसिड आपको पता है कि बहुत अच्छा सा हमारी स्किन पर वर्क करता है, हमारी डेड लेयर्स को रिमूव करता है और हमारी स्किन पर जो न्यू स्किन सेल्स आते हैं वो बहुत ज्यादा रेजुनेटिंग एंड ग्लोइंग आते हैं। तो अगर आपको एक्ने और पिंपल कर सकते हो, अगर आपको पिंपल हो रही है तो आप डेफिनेटली फेस वॉश को एक बार ट्राई कर सकते हो। और ये 50 ml की क्वांटिटी आपको पड़ती है 199 यानी 200 rupees की क्वांटिटी, थोड़ी सी कम है बट एक्चुअली ये बहुत कम लगता है क्योंकि ये जेल बेस्ड है। जैसे मैंने आपको भी बताया कि ये देखिए ये कितना ज्यादा रनी है, मतलब ये जेल बेस्ड है तो ये इतना ज्यादा मतलब रनी है। मैं इसको अभी यूज कर रही हूँ रिसेंटली थोड़े टाइम से, तो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है क्योंकि मेरे पोर्स को डीपली क्लीन कर देता है। तो मैं बहुत नए नए प्रोडक्ट ट्राई करती रहती हूँ, उनमें से एक प्रोडक्ट मैंने ये ट्राई किया और इसके रिजल्ट मुझे अच्छे लगे तो सोचा आप लोगों के साथ में शेयर करूं। देखो गुड एंड बैड हर तरह के रिव्यू में आप लोगों को मेरे चैनल पर मिलेंगे, पर जो भी प्रोडक्ट मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं तो मुझे लगता है मुझे अपनी फैमिली यूट्यूब फैमिली के साथ में शेयर करना चाहिए ताकि आप लोगों को भी इसके रिजल्ट जो है वो अच्छे दिखाई दे, अच्छे रिजल्ट मिले। तो ये वाला फेस वॉश अगर आप लड़के हो बजट फ्रेंडली में लेना चाहते हो, ट्रायल पैक लेना चाहते हो, तो 200 rupees में मतलब 199 rupees का 200 rupees का ये 50 ml में कोई बुरा नहीं है, आप ट्राई करके देख सकते हैं और अच्छा वर्क करता है, आपके फेस को बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट नहीं करता, बहुत ज्यादा आपके एक्सेस ऑयल को रिमूव नहीं करता। ग्रीन टी आपकी स्किन के पोर्स को भी डीपली क्लीन करती है, ग्लाइकोलिक एसिड आपके पिंपल को हील करने में हेल्प करता है, ग्रीन टी भी आपके पिंपल को हेल्प करने में ठीक करने में हेल्प करती है। तो ओवरऑल प्रोडक्ट सही है, अगर आप इसको लेना चाहें तो परचेस कर सकते हैं, मेरी तरफ से इसके लिए ग्रीन फ्लैग है। तो आप डेफिनेटली ट्राई करना, ट्राई करके कमेंट करके जरूर बताना अगर आप लोगों ने ट्राई किया। आप इसको बाय अमेजोन वगैरह बहुत सारी जगह से ये मिल जाता है, प्लम की वेबसाइट से भी हर जगह से मिल जाता है, अगर आप बाय करना चाहें तो कर सकते हैं। तो बाय बाय एवरीवन, अगर आपको रिव्यू पसंद आया, हॉनेस्ट लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना क्योंकि आपके हर एक कमेंट्स का मैं पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ। तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना और बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रहे, जय हिंद, बाय।